दबाव के साथ शुरुआत होने की उम्मीद है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल ठीक दिख रहा है, 1062534, देखते हैं शुरुआत किस तरह की होती है, लेकिन इसी तौर पर एफआईआई की बिकवाली के चलते बाजार का मूड पूरी तरह से खराब है और नतीजों से भी बहुत खास सपोर्ट सितंबर तिमाही में के नतीजों से बाजार को मिला नहीं है। बहरहाल शुरुआत बाजार की शांत हुई है, जैसे कि ओपनिंग टेक्स दिख रहे थे। निफ्टी की शुरुआत हुई है करीब 25-30 अंक ऊपर। सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर 50 अंकों की बढ़त पर शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट रह गई है वो रह गई है 70 अंकों के आसपास की। अगर हम शेयरों की बात करें तो जैसे कि ओपनिंग से विजिबली साफ साफ दिख रहा था, इंडसइंड बैंक आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट नतीजों के चलते 10% टूट गया ये शेयर, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसमें गिरावट हो सकता है कि और अभी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल एक फौरी सा सर्किट भी लगता है थोड़ी देर के लिए। 10% की गिरावट, NTPC में 1.5% की कमजोरी। ऑटो स्टॉक्स की नरमी लगातार बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि आज M&M, हीरो मोटो, मारुति सुजुकी सारे के सारे गिरावट के साथ इन्होंने शुरुआत की है, और मारुति सुजुकी पर अक्षय भागवत की सेल कॉल भी थी कल शाम को, आपको STBT के तौर पर ये शेयर सजेस्ट किया गया था, और आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है मारुति सुजुकी में। बजाज ऑटो, आयशर, ये भी शेयर आज प्रेशर में है। श्रीराम फाइनेंस के नतीजों पर आज नजर होगी, करीब 1.25% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ऑटो और इंडसइंड बैंक फिलहाल ये जो शेयर हैं बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज थोड़ी बेहतर दिख रही है, 788 शेयर हैं कमजोरी वाले, और उसके मुकाबले 1129 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी भी अब लाल निशान में फिसलता हुआ 24,400 के नीचे है, 17-18 अंकों के आसपास की गिरावट है, और जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो है 24,350 के आसपास का ही। क्या उसको रेस्पेक्ट करेगा? वो अगर टूटता है तो निश्चित तौर पर 24,200-24,000 तक के दायरे फिर नीचे की ओर खुल जाएंगे। रेजिस्टेंस की बात करें, 24,600 अगर नहीं पार होता है तो बाजार के लिए मुश्किलें बनी रहेंगी। तो एक रेंज है फिलहाल, हम अगर देखेंगे 300-350 अंकों के आसपास की, इस रेंज पर अब बाजार की नजर रहेगी। वैसे 24,800 का बड़ा ही क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी ने ब्रेक किया था, उसके बाद से लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, और आज को अगर हम जोड़ लें, अगर हम कमजोरी मान लें इसको अगर शुरुआती, तो ये पांचवा सत्र हो जाएगा निफ्टी में कमजोरी का। एक्सिस बैंक करीब 2.5% ऊपर, ITC के शेयर में 2% के आसपास की तेजी अब हो गई है, ये शेयर चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया था, 470 रुपये के आसपास का भाव हो गया था 515-520 से गिरते गिरते। आज बैंकिंग में सपोर्ट हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक से मिल रहा है, कोटक बैंक के शेयर में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। तो हो ये रहा है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक, इनमें डाइवर्जन लगातार बना हुआ है, एक साथ ही दोनों बैंक चले बड़ा मुश्किल से हम देख रहे हैं। ये आज निफ्टी बैंक को जो सपोर्ट करने वाले शेयर हैं, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक, SBI और फेडरल बैंक, 12 में से 5 शेयर मजबूती वाले आज हैं और 7 शेयर अभी भी कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार, और HDFC बैंक भी आज थोड़ा सा नरम है, उसके चलते निफ्टी बैंक को हम लाल निशान में जरूर देख रहे हैं। FNO में अगर देखें, लॉरस लैब्स, इसके नतीजे कल आए थे, नतीजे थोड़े से वीकर साइड पर थे, मार्जिन को लेकर थोड़ा प्रेशर था, लेकिन आज शेयर ऊपर दिख रहा है। आरती इंडस्ट्रीज ये ऊपर 2.5%, L&T फाइनेंस होल्डिंग ये आज मजबूत है, गोदरेज कंज्यूमर को लेकर रिपोर्ट्स अच्छी आई थी, ये शेयर 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कैनफिन होम्स, पिडिलाइट, मदरसन, संवर्धन मदरसन, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज हम ठीक ठाक तेजी 1-1.5% के आसपास ही देख रहे हैं। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे आए थे, हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब 6.5% के आसपास की गिरावट है। कोरोमंडल में प्रेशर है 4-4.5% के आसपास की। कोलगेट कल की गिरावट के बाद आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहा है, 3-3.5% टूट गया शेयर ये। बंधन बैंक, कल हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या इसमें अगर रिकवरी आती है तो टिकेगी, आज हम देख रहे हैं कि फिर से दबाव बन रहा है, 2.5% के आसपास की नरमी बंधन बैंक में है। GMR इंफ्रा में कमजोरी है। वोडाफोन आइडिया का शेयर लगातार प्रेशर में आ रहा है, 2% के आसपास की गिरावट हम वोडाफोन आइडिया के शेयर में देख रहे हैं। MGL का शेयर भी 2% की गिरावट के साथ ही कर रहा कारोबार। एक बार जरा हीट मैप जरा लेकर आइए, देखते हैं कि उसी तस्वीर बाजार की क्या बन रही है, क्योंकि निफ्टी शांत है, 20 अंक ऊपर या 20 अंक नीचे यही हम देख रहे हैं। वोडाफोन का शेयर देखिए जरूर, अब ये 8 रुपये के नीचे आकर ये कारोबार कर रहा है, तो अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में कुछ कुछ हम देख रहे हैं कि IT और कंजम्पशन में ITC ये मजबूत हैं, ब्रिटानिया मजबूत है, सन फार्मा के शेयर में भी आज हम तेजी देख रहे हैं, और ये शेयर लगातार मजबूत है सन फार्मा का। ICICI बैंक का शेयर फिर से 1250 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, लेकिन L&T को लेकर दिक्कत है, 1% की आज भी गिरावट हम देख रहे हैं।
मिड कैप में इमामी में 1.5% की तेजी है, निपॉन लाइफ में 7% का उछाल है, लॉरस लैब्स का शेयर तेज है, कल अड़ानी बिलमार के नतीजे आए थे 2% कमजोर ये शेयर दिख रहा है और बाकी शेयरों में भी आपको गिरावट दिखेगा। नालको का शेयर भी प्रेशर में है। स्मॉल कैप में बड़ी तेजी रेडिको खेतान में है 9% की। इसके अलावा कैनफिन होम्स चल रहा है, साइंट ने नतीजों से पहले ही रिएक्शन दे दिया था और नतीजे इसके मजबूत आए हैं, शेयर फिलहाल 2% ऊपर ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मणप्पुरम में लगातार हम देख रहे हैं कि दबाव है, 2% आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहा शेयर ये। बीच बीच में हल्के फुल्के बाइंग जरूर आती है लेकिन गिरावट वाला ट्रेंड इसमें बरकरार है। निफ्टी बैंक में एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक ये कुछ शेयर्स हैं जो आज निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक 10% गिरावट इसमें है नतीजों के चलते और निश्चित तौर पर ये आज प्रेशर बनाने काम कर रहा है। एचडीएफसी बैंक से भी आज सपोर्ट नहीं है, 1750 रुपये के नीचे के भाव हैं। आईटी में ओरेकल फाइनेंस, एससीएल टेक, परसिस्टेंट, टीसीएस, विप्रो ये कुछ शेयर्स हैं जो मजबूती वाले हैं और जो शेयर थोड़ा ज़्यादा चले थे टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, इन्फोसिस, यहाँ पर थोड़े थोड़े से प्रेशर है। टेक महिंद्रा लगातार इस शेयर ने आउट परफॉर्म भी किया है। चलिए अब सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं कि इस सुस्ती के बाजार में शांत शुरुआत के बीच शुक्रवार के दिन आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। ओपनिंग ट्रेड लेकर आएंगे। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नजर। देखिए एक स्टेबल ओपनिंग मिली हुई है मार्केट को, अगर ये कल का जो लास्ट सेशन था अगर उसके हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर लग रहा है कि एक थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक के चांसेस हैं, तो दो बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे देखूंगा। जो पहला रहेगा वो रहेगा डीवी स्लैब का। देखिए काफी अच्छी एक ओपनिंग मिली है, ओपन लो कैंडिडेट है, 5820 के करीबन करंट मार्केट प्राइस है, बाय कीजिए लो के साथ 5755 फॉर द टारगेट ऑफ 5985। दूसरा स्टॉक जो रेडार पे है वो है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए कल के अपने रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है, 1263 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1247 का फॉर द टारगेट ऑफ 1306। मैं तो आप क्या अपना फर्स्ट स्टॉक एक बार फिर से रिपीट कर पाएंगे प्लीज? डीवी स्लैब की बात हुई थी यहाँ पे। ओके मैं लेवल्स रिपीट कर देता हूँ, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 5755 का और टारगेट रहेगा 5985। ठीक है, तो 5985 यहाँ पर आपको स्टॉप लॉ ये टारगेट आपको मेंटेन करना है डिवीज लैब के लिए और 5755 यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बाय ट्रेड फिलहाल रिकमेंड करते हुए सुमित। अक्षय अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेड और क्या यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग साइड के ही ट्रेड रहेंगे या कोई शॉर्टिंग के भी आइडियाज हैं? देखिए अभी भी मार्केट नेगेटिव स्ट्रक्चर ही है, बस फार्मा ने कहीं ना कहीं ओपनिंग ट्रेड्स में एक ग्रीन सिग्नल दिया है तो फार्मा में बाय कर सकते हैं आप क्षेत्र में। यहाँ पे ऑरोबिंदो फार्मा में आप शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडिंग के लिए बाय पोजीशंस बना सकते हैं। एक पॉसिबल डबल बॉटम बनने का सिनारियो बिल्डअप हो रहा है, बार बार अगर आप देखें तो स्टॉक में 1427 पे बाइंग या डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है, तो आप 1425 का एक स्टॉप लॉस बना के बाय करें। इस केस में रिकवरी होता है तो डे ट्रेडिंग में 1475 टारगेट होगा और अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय करें तो 1512 ये टारगेट एरिया बन सकता है। तो एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, शॉर्ट अगर आपको करनी है तो इंडेक्स में शॉर्ट करिए। निफ्टी का सेटअप अभी भी नेगेटिव ही है तो कल का अगर लो पॉइंट ब्रेक करता है 24,350 तो एक फ्रेश सेल ट्रिगर बनेगा, तो ये व्यू बनेगा इंडेक्स और स्टॉक में। इंडेक्स पे जो है आप शॉर्टिंग के आइडियाज जरूर ढूंढ सकते हैं पर इसके सामने जो है फार्मा काउंटर्स पर नजर रखिए, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से अर्निंग्स आई हैं उनके एक शार्प रिएक्शंस देखने को भी मिल रहे हैं। कल भी हमने आपके सामने हाईलाइट किया था कि पिरामल फार्मा कल ओपनिंग शो में 4% की तेजी थी पर डे क्लोज करते करते 20% तक की उछाल जो है उस काउंटर ने दिखाया, सभी पैमानों पे नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे तो उसके लिहाज से देखिए फार्मा काउंटर्स में जोश है। सिंजीन के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, इवन लॉरस लैब जो कंपनी हमेशा डिसअपॉइंट करती है वहाँ पर भी वो अपनी मार्जिन गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं, आगे के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप देखिए ये सभी काउंटर्स में मोमेंटम भी देखने को मिला और अब भी डिवीज लैब और ऑरोबिंदो फार्मा जैसे काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट से जा रहे हैं। पर चलिए इस बीच स्वागत करेंगे नरेश मिरानी का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। नरेश वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र?
सो ओवरऑल मार्केट में वही स्लो ड्रिफ्टिंग मोमेंटम है, तो जहां पे लास्ट 2 दिन से हम फ्लैट देख रहे हैं इंडेक्स, सो ट्रेडिंग डिफिकल्ट है क्योंकि मोमेंटम नहीं है, बट बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है एसबीआई में, जहां पे 770 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। लास्ट कुछ महीने का इलेक्शन डे लो भी अराउंड दिस एरिया था, सो यहाँ से एक बाउंस बैक बन सकता है। तो 780 के स्टॉप लॉस से बाउंस बैक देख रहा हूँ, 840 की तरफ 850 की तरफ हो सकता है एसबीआई में। दूसरा होगा हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ था कल, आज थोड़ा डिप हुआ है, बट गुड एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस होगा 520 का, टारगेट होगा 600 का इवेंचुअली। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर भी आप रखिए नज़र। और इसी के साथ अगर हम देखें फिलहाल मार्केट्स में, तो निफ्टी जो है अपने आप को फिलहाल हरे निशान में होल्ड करने में सक्षम है।